हेलो एवरीवन, फूड मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आई हुई हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लैंसडाउन में। और जब आप लैंसडाउन अगर आ रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको स्टे के लिए भी चाहिए और एक अच्छा फूड भी चाहिए। तो अभी तो मैं आप रात हो गई है भी, तो आज मैं आपको लेके आई हूँ समस्कारा एंड समसारा रिजॉर्ट में। मेरे पीछे ये जो लाइट ब्लिंक्स कर रही है रेड कलर की, तो दिस इज़ द वे। और जो नीचे है वो एक मेन हाईवे है, मेन रोड है, और वहाँ से आपको जी स्लोप मिलेगा और स्लोप से आपको ऊपर आना है। एंड दे हैव पार्किंग फैसिलिटी आल्सो। तो चलिए इनका आज इनसे बात करते हैं, इनकी अकोमोडेशन देखते हैं और इनका डिनर एंजॉय करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। नमस्ते मैम। मेरा नाम मैम मोहन सिंह है और मैं यहाँ का मैनेजमेंट पूरा मैं देखता हूँ होटल का। मैम यहाँ पे हमारे पास 5 टेंट्स हैं जिन्हें हम ग्लैम्पिंग्स कहते हैं और डबल ऑक्यूपेंसी में हैं, जिसमें 1 एक्स्ट्रा मैट्रेस कभी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में अवेलेबल हैं। और हमारे पास 2 फैमिली रूम्स हैं जिनमें 4 अकोमोडेशन, मतलब 4 लोगों के अकोमोडेशन है। मैम ये अलग कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम यहाँ पे हट कॉटेजेस अवेलेबल है हमारे पास, और इसमें मतलब एसी है, सर्दियों में ब्लोअर है हमारे पास, और प्लेग्राउंड है बाहर हमारे पास, काफ़ी रूम्स होते हैं सब, इंक्लूडिंग ऑफ ब्रेकफास्ट होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं समस्कारा एंड समसारा की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी कि जो समस्कारा एंड समसारा है ये पहले एक होम स्टे था और अब इसे आप होटल बोल सकते हो या रिजॉर्ट बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है पिछले 3 सालों से। इसको प्राइवेट बैल्कनी भी मिलेगी और फॉरेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए इनका व्यू देखते हैं और कैसा रहता है। वाओ, यहाँ पे आपको 2 बीन बैग्स भी मिलेंगे, आप ये देख सकते हो सिटिंग के लिए। और यह फॉरेस्ट व्यू आप देखिए कि कितना ज़्यादा घना फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। बर्ड्स की चर्पिंग भी आप यहाँ पर सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे को तो मतलब रिलैक्सेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस लगा है। नाइट के टाइम पे लैंसडाउन का जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा अभी तो फिलहाल ठंडक नहीं है, वरना दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है, स्नो रहती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बॉनफायर की फैसिलिटी भी मिलेगी जिससे आप अपनी इवनिंग टी या कॉफ़ी भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो फाइनली आज मेरे पास समस्कारा एंड समसारा रिजॉर्ट में डिनर लग चुका है और इतनी सारी आइटम्स इन्होंने मेरे लिए लगाई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए क्या क्या लगाया है। यहाँ पे है, मिलेगा आपको मटर मशरूम, वैसे तो उनके पास वेज के काफ़ी ऑप्शन थे बट मैंने यहाँ पे लिया मटर मशरूम, दाल मखनी, चटपटे आलू, और इनका रहता है नॉन वेज में मैंने लगवाया है गढ़वाली चिकन, और रहती है यहाँ पे तवा रोटी या आप बटर रोटी भी यहाँ पे ले सकते हो। और इसके साथ आपको मिलेगा सैलड और मिंट की चटनी। तो चलिए मैं अपनी प्लेटिंग कर लेती हूँ, सर्व कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज नॉन वेज में टेस्ट करूँगी क्योंकि मैं खुद नॉन वेज इतनी ज़्यादा लवर हूँ। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ गढ़वाली चिकन और इसमें मैं रखूँगी, डालूँगी थोड़ी सी ग्रेवी। और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी इनका मटर मशरूम, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप कलर देख के ही पहचान सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी सर्व करूँगी चटनी, यहाँ पे मैं रखूँगी तवा रोटी अपनी प्लेट में। चलिए जो अब इनका डिनर है वो एंजॉय कर लेते हैं। जो मैं अभी ले रही हूँ रोटी, रोटी बिल्कुल घर जैसी है, तवा रोटी है, इतनी हैवी रोटी नहीं है। और मैं टेस्ट करूँगी चिकन के साथ, चिकन काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब छूते ही टूट गया, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। और जैसे कि इसे देख देख के मैं पानी आ रहा है तो मैं जल्दी से टेस्ट कर लेती हूँ। वाली चिकन है, उसमें लहसुन का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चिकन स्टे भी कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे डिनर लिया है तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्राइजेस पूछ सकते हो। नहीं, आप एक ही आइटम ले सकते हो, या तो आप आइसक्रीम ले सकते हो या गुलाब जामुन ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे दोनों लगवाई है जस्ट टू शो यू कि गुलाब जामुन और आइसक्रीम का अगर आपने कॉम्बिनेशन कभी खाया है या नहीं खाया है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ही आइसक्रीम और गुलाब जामुन दोनों लगवाया क्योंकि ठंडा और गुलाब जामुन, ये देखिए आप, मैंने इसमें रख दी मैंने आइसक्रीम और मैं गुलाब जामुन विद आइसक्रीम खाऊंगी। तो आप भी मुझे बताना कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपने कभी घर पे ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा, और अब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार ट्राई जरूर करना क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। हम लोग बेसिकली लखनऊ के पास एक सिटी है हरदोई, वहीं से आए, स्टे काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद फाइनल किया था। तो जैसा एक्सपेक्टेड था अभी तक तो वेल एंड गुड, सब सही है। रूम्स तो मैंने ग्लैम्प वाला बुक किया है तो बहुत बढ़िया है, अलग एक्सपीरियंस है। होटल और रिजॉर्ट में कई बार रुके लेकिन ग्लैम्प का एक्सपीरियंस कुछ
यूनिक अगर एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए सही है। इसी रिजॉर्ट के अंदर से ही सनसेट का अच्छा व्यू है। हाँ एग्जैक्टली मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी और मेरी रिक्वायरमेंट भी थी कि एज ए वेकेशन मुझे केवल स्टे के लिए जो है अच्छा पीसफुल एरिया चाहिए, तो उसके हिसाब से तो डिसीजन सही है लग रहा है। मैम हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है रूम की जिनके प्राइजेस हमारे पास 4500 से 8000 तक के रहते हैं और जो कि टाइम टू टाइम घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरे दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इनके डिनर को एंजॉय करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।